यानी भी डांसर सपना चौधरी से जुड़े पांच ऐसे विवाद जिनको लेकर खूब हंगामा हुआ। सिंगर सपना चौधरी जहर खा चुकी है, एक बार तो उन्हें जेल के जाने की नौबत आ गई थी। कभी शो में हंगामा और कभी गानों और डांस को लेकर विवाद हुआ। पहले सपना चौधरी से जुड़े किस्से। सपना चौधरी ने 22 जून 2018 को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने दल जनपद पहुंची, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने उनसे मिलने का समय मांगा। इस दौरान अटकल लगाई गई थी सपना कांग्रेस में शामिल होंगी या कांग्रेस के लिए प्रचार कर सकती है। चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा का सपना चौधरी को लेकर विवाद बयान सामने आया था। सपना चौधरी को ठुमके वाली कहा गया। सांसद ने कहा कि कांग्रेस के ठुमके लगाने वाले को ठुमका लगाएगी। इससे पहले 2 मार्च 2018 को फिल्म वीरे दी वेडिंग के गाने हड़िया ताओ को लेकर भी विवाद हुआ था। यह गाना सपना चौधरी को फिल्माया गया था और हरियाणवी गायक विकास कुमार ने सपना चौधरी समेत पूरे कास्ट को 7 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा था। सपना चौधरी अपने एक रागिनी के कारण विवाद में आ चुकी है। 17 फरवरी 2016 को गुड़गांव के चक्करपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सपना चौधरी ने रागिनी में भिगड़ैया गाई थी। इस रागिनी के जरिए उन्होंने दलितों का सवाल उठाए थे और जाति से दो शब्द बोले थे। रागिनी के बोलों पर आपत्ति बताते हुए हिसार में बहुजन आजाद मोर्चा ने शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद सपना चौधरी के खिलाफ गुड़गांव में FIR दर्ज हुई थी। PM News 24 की रिपोर्ट।